अच्छा था ना ये, आप वापस जाओगे तो आपके भी चोट लग जाए, उनके भी लग जाए। बेटा कभी ऐसा मत करो, गलत मत करो। एक हेलमेट आप और नहीं रहे बताओ, ट्रिपल सवारी हो, अच्छा नहीं लगता? ये जान को भी क्यों जोखिम में डाल रहे हो? इसलिए आए इस पदवी पर, तो कम से कम उस पर आओ, आने के बताओ ये नहीं गलती मान लो, क्या बात है, ऐसे क्यों करते हो आप उल्टे काम? ठीक है ना, दो भाई चलान दो। देख सकते हैं एक एक्टिवा को रोक रखा है, वो आगे एक चुन्नी लगा रखी है, उससे जो है नंबर प्लेट पूरी कवर कर रखी थी। अब पुलिस ने जैसे ही रोका तो इसे नंबर प्लेट के आगे से कपड़ा जो है वो हटवाया गया। जी हाँ, इस नंबर प्लेट के आगे से जो कपड़ा है वो लगा हुआ था उसे हटवाया गया है। पीछे भगाने की कोशिश की तो होमगार्ड के जवान ने पीछे ही जो एक्टिवा है रोक ली। अब देख सकते हैं उस एक्टिवा को वो युवा जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब होमगार्ड का जवान जो है उस एक्टिवा को आगे लेकर आएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील है, अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो अपने दस्तावेज पूरे कर चले। किस तरह से देख सकते हैं भगाने का प्रयास किया गया, अब जो है एक्टिवा को आगे लाने की जो कोशिश है उस युवा से की जा रही है। देख सकते हैं एक्टिवा को स्टार्ट कर लिया गया है और उस होमगार्ड के जवान को एक्टिवा जो है वो लाने नहीं दी जा रही उस युवक द्वारा। अब साथ ही उस युवक को ले जाया जा रहा है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। काम से आया हूँ सर हॉस्पिटल, मेरे को सर थ्रॉट में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है। वापसी के बाद सर मैं ऐसा डर गया सर, एकदम देखते मैं कह तो रहा हूँ घबरा गया सर। सर मैं थोड़ा सा सर होता है ना सर, मैं थोड़ा सा बच्चा टाइप का हूँ सर। प्लीज़ सर यही कर रहा है सर मेरा, प्लीज़ जान दो सर आज जो जान देंगे सर, प्लीज़ अगर चेक करवा। डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास? सर डॉक्यूमेंट्स तो है सर, दिखा दो आपको, फिर छोड़ देंगे वो सर, रहने दो सर प्लीज़। देख सकते हैं इस एक्टिवा पर ट्रिपलिंग की हुई थी, साथ ही साथ पुलिस का जो स्टिकर है वो भी लगा रखा है। देख सकते हैं इस एक्टिवा के ऊपर ट्रिपलिंग थी और साथ ही साथ आगे पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ है। आपको बता दूं ये देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, ये पुलिस का स्टिकर जो है इसके ऊपर लगा हुआ है। तीन युवक इसके ऊपर सवार थे। पुलिस में है कोई घर पे? घर से कोई पुलिस में है? नहीं, दोस्त के, दोस्त की है। मान कर लाए थे? कहाँ जा रहे थे? बस यही कॉलेज में जाना। तीन जाने जा रहे थे है? ट्रिपलिंग की हुई थी? नहीं ट्रिप, वो तो दोस्त था हमारा, यही जा रहे थे कॉलेज। तीन जाने हुए खाने के लिए आए थे यहाँ पे। अब देख सकते हैं अगर ये बता रहे हैं कि मांग कर लाए हैं, इसके ऊपर पुलिस का स्टिकर भी है। अब इस गाड़ी का चलान होगा या नहीं वो देखने वाली बात होगी। इसके ऊपर पुलिस का स्टिकर है? चलान होगा सर, इसका चलान होगा। हाँ जी, चाहे पुलिस का स्टिकर भी है, कोई सा भी लगाओ जी। अब देख सकते हैं चाहे पुलिस का स्टिकर है तब भी चलान जो है होगा, साथ ही साथ ट्रिपलिंग जो है वो भी इस एक्टिवा के ऊपर कर रखी थी। हेलमेट ले रहे, बच्चे ले रहे साथ में, उधर भग जाओ यार, तुम क्या करो बात की रोड लग गई नहीं ते हैं। आगे पुलिस को देखकर मोड़ ली गई थी बाइक। अब देख सकते हैं किस तरह से भगाने का प्रयास, इसके द्वारा भगाने का प्रयास जो है इस लड़के का किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर रोक लिया गया है, किस तरह से देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। किस तरह से देख सकते हैं इस बाइक भगाने का प्रयास किया गया था, अब इस बाइक को भी पकड़ लिया गया है। जी हाँ, इस बाइक को भी पकड़ लिया गया है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लाइव। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देख सकते हैं एक युवक भागने का प्रयास कर रहा है, उसे पता नहीं कि पीछे भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं। देख सकते हैं इस बाइक को जो है अब रोक लिया गया, आगे नाका था, अब नाके से किस तरह से वापस आया इसे मालूम नहीं था कि पीछे भी इस तरह से पुलिस जो है वो खड़ी हुई है। देख पा रहे हैं फिर से उसे आगे की तरफ भेजते हुए, टैंक दूध वाला किस तरह से जा रहा था पुलिस को देखते हैं, बीचों बीच सड़क में मोड़ने का प्रयास और दूध उसका बिखर जाता है, रास्ते में दूध भी उसका बिखर जाता है। अब आगे की ओर पुलिस खड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी, जूम करके दिखा देता हूँ तस्वीरों के अंदर। ये पीछे आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें ज़रूर खड़ी हुई हैं और पीछे मोड़ लेते हैं हैं आगे से पुलिस के बच के भागने का प्रयास जो है किया जा रहा है, पर तीन तीन पीछे भी पुलिस के जवान जो हैं वो खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक पर बैठ चुके हैं और उसे
अब फिर से पीछे की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं दो दो मोटरसाइकिलें किस तरह से वापस मुड़ जाते हैं। हालांकि ट्रिपलिंग भी कर रखी थी, पीछे कोई भी वाहन तेज गति से आ रहा हो तो किस तरह से एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये बाइक देख सकते हैं, ये भी पीछे मुड़ गई थी, और एक और बाइक आपको दिखाऊंगा वो भी पीछे मुड़ गई थी। हालांकि पीछे भी पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। देखते हैं नाका जो है वो लगा हुआ है किस तरह से। अच्छा थोड़ा ये आप वापस जाओगे तो आपके भी चोट लग जाए उनके भी लग जाए। कभी ऐसा मत करो, गलत मत करो। एक हेलमेट आप और नहीं रहे बताओ, ट्रिपल सवारी हो अच्छा नहीं लगता। ये जान को भी क्यों जोखिम में डाल रहे हो, इसलिए आए इस पदवी पर ना? तो कम से कम उस पर आओ, आने के बताओ ये नहीं गलती मान लो क्या बात ऐसे क्यों करते हो आप उल्टे काम, ठीक है ना? दो भाई चलान दो। देख सकते हैं भागने का प्रयास किया गया था और नंबर कितना बड़ा लिखा हुआ है आप आगे देख सकते हैं। ये मोटरसाइकिल है किस तरह से देख सकते हैं। इनको समझाया गया है भागना कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है, चोट लग सकती है। किस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लोग पीछे ज़रूर मुड़ जाते हैं। ये देख सकते हैं पीछे किस तरह से मुड़ जाते हैं जिसकी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी अपने डॉक्यूमेंट दिखाएँ, आपको पुलिस कुछ नहीं कहेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो कहीं ना कहीं चलान जो है आपका किया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर करें। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, पुलिस को देखकर पीछे से मुड़ना शुरू कर देते हैं? देखो जी हम तो आपके माध्यम से संदेश यही देना चाहते हैं कि भई अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, हेलमेट वगैरह नंबर प्लेट वगैरह अपनी जो पैटर्न के अनुसार है वही लगाइए। तो सर लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने चाहिए ना? यहाँ बिल्कुल घबराना चाहिए, आए दिखाए अपने डॉक्यूमेंट दिखाए जाइए। अगर पूरे होंगे कोई चलान ना, ना जी ना ही कोई चलान नहीं। आप देख सकते हैं पूरे होंगे तो कोई चलान नहीं होगा। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करें।